आज लोगों को बेचुनी आने लगे, जीरो आने लग गया रास्ते पर। 300 यूनिट तो बहुत बड़ी बात होती है। मैंने वहां बीमा किया है, प्रीमियम सरकार भर रही है, 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है इलाज का। हमारे यहाँ पूरा इलाज फ्री है, आईपीडी ओपीडी जो भर्ती हो या देखा के जाओ, एमआरआई फ्री, सीटी स्कैन फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट करनी हो, लीवर ट्रांसप्लांट करना हो, 10 लाख के अलावा खर्चा होगा, 10 लाख 15 लाख वो भी सरकार देगी। ऐसा हिंदुस्तान में सुना आपने? ऐसी योजना आज तक कभी नहीं इतिहास के अंदर। आजादी के बाद में पूरा इलाज फ्री कर दिया राजस्थान के अंदर, सब अस्पतालों के दवाएं फ्री हो रही है, टेस्ट फ्री हो रहा है, इलाज फ्री हो रहा है। हमने मांग की मोदी जी से भी, हमारी योजना को पूरे मुल्क में लागू करो। सोशल सिक्योरिटी जरूरी है, महंगाई का जमाना है और दवाइयों में इलाज में बहुत खर्चा होता है। आप देखते हैं कई लोगों तो घर बिक जाते हैं, गहने बिक जाते हैं, उधार लेके लोग इलाज करवाते थे। राजस्थान में अब आप देखोगे तो आपको पाओगे कि ऐसा व्यवस्था कहीं भी हिंदुस्तान में नहीं है। हम चाहते वैसी व्यवस्था गुजरात में लागू हो, इतनी भी बात कर रहा हूँ। सरकार बनेगी कांग्रेस की, तुमने वचन दिया है कि यहाँ पे 10 लाख का बीमा लागू होगा, गुजरात के अंदर लागू होगा। मेन बात ये कहना चाहता हूँ मैं, आप सोच सकते हो कितने पूरे गुजरात वासियों का, कोई अमीर गरीब की बात नहीं उसके अंदर, बीपीएल की बात नहीं है, कोई परिवार हो, सब परिवारों के लिए खुले दरवाजे। अब ज्यादा पैसा वाला है जाना चाहे अहमदाबाद, उसकी मर्जी है, पर सरकार की तरफ से पूरा इलाज फ्री होगा गुजरात वासियों का। इतना बड़ा मैं आश्वासन देना चाहता हूँ आप लोगों को, ये कहना चाहता हूँ आपको। 3 लाख रुपए तक कर्जा माफ की बात करी गई है, 3 लाख रुपए कर्जा माफ करने की हमने वादा किया आपसे, वो माफ होगा। राजस्थान के अंदर भी राहुल गांधी जी ने कहा था चुनाव जीतते 7 दिन में हम लोग वादा निभाएंगे, कर्जा माफ करेंगे, तो हमने 3 दिन में वादा कर दिया, पूरा कर दिया, निभा दिया, कर्जा माफ वापस कर दिया। हाले विपक्ष वाले फिर हमें हमारे खिलाफ बोलते रहते हैं। कोरोना के अंदर हमने वहां पर हर परिवार को 50,000 तो अलग दिए हैं, उसके अलावा अगर बच्चे अनाथ है उनको 1 लाख रुपए तो एक मुश्त, 2,500 रुपए प्रति माह, 18 साल का होगा उसके लिए 5 लाख की FDR करवा दी अभी से हम लोगों ने, 18 साल के बाद में 5 लाख ब्याज से मिलेगा तो वो अपने काम धंधा भी शुरू करने की सोच सकता है। विधवाओं के लिए यही किया हम लोगों ने, कोई कमी नहीं रखी। कोरोना में जो हमने व्यवस्था की थी इलाज की, फ्री इलाज की, उसको तो कल मुझे गुजरात के लोग मिले थे, वो कहता ऐसी व्यवस्था हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई जो आपने करी थी। अहमदाबाद में कितने लोग मारे गए, कितने मर गए, कोई सोच नहीं रखता। एम्बुलेंस भी डिप चढ़ दी गई, कोई व्यवस्था नहीं थी भर्ती करने की। यहाँ आप निश्चिंत रहे, प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ में पब्लिक सेक्टर में भी अच्छे अस्पताल बने, गांव गांव में सब सेंटर PHC CHC बने, डॉक्टर वहां रहे, ये व्यवस्था करने का करते ही कांग्रेस सरकार का होगा। नौकरियां जो है, मैंने कहा 3.5 लाख नौकरियां किसे कहते हैं, इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। यहाँ भी सरकार जो सरकारी कर्मचारी की प्रॉब्लम्स है, नौकरियों की, नौजवानों की प्रॉब्लम्स है, नौकरी लगनी चाहिए, जो जो कमियां गुजरात में है उन तमाम कमियों को दूर करेंगे। और राजस्थान में जो व्यवस्था है जिस प्रकार से, वो व्यवस्था यहाँ लागू करवाएंगे जिससे लाखों लोगों को नौकरी मिल सके, नौजवानों को। आज नौकरी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रकार से ओल्डर पेंशन लागू की हम लोगों ने कर्मचारियों के लिए भी, और भी कई फैसले किए जो आपको मैनिफेस्टो आएगा 2-4 दिन के अंदर। 8 तारीख को कांग्रेस मैनिफेस्टो घोषित कर रही है, 8 तारीख को लगभग तय है कि मैनिफेस्टो घोषित होगा। उस पर आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो पाएंगे किस प्रकार के वादे आपसे किए गए हैं। पिछली बार भी कोई कमी नहीं रखी आप लोगों ने, 7 सीटें जीतने के चलते।
इस बार मुझे उम्मीद है कि आप नंबर वन बन जाओगे पूरे गुजरात में, नौ की नौ सीटें जीत लोगे आप, ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कोई कमी नहीं रखे आदिवासियों के लिए। मेरे पूर्व में भी बता रहे थे आपको रघु शर्मा जी ने, भरत भाई ने, वनों के अधिकार के कानून की बातें बहुत सरकार ने करी।